वैसे तेल थोड़ा बढ़कर आया बट पिछले हफ्ते जिस लेवल पर शुरुआत हुई थी, थी उसी पर है तो वहां से भी कुछ ज्यादा बड़े संकेत नहीं आ रहे एक बात है बाजार को लेकर ही क्योंकि फ्राइडे को इतना बढ़िया मूड माहौल हो रहा था लग रहा था कि एक बार 18,000 का अटेम्प्ट हो सकता है वो सक्सीड नहीं हुआ बट क्या इस हफ्ते बाजार वो अटेम्प्ट कर सकते हैं आपने तो वैसे कहा है कि मानने के लिए तो अठार अठारह हजार हो गया बट फिर भी वो साइकोलॉजिकल लेवल तो रहता ही है दिमाग में अटेम्प्ट कर सकते हैं बाजार एक बार कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते और क्यों नहीं करना चाहिए तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आज मैं थोड़ा सा एक लंबा विजन भी देना चाहता हूँ मतलब अगर देखिए रशिया यूक्रेन चाइना ताइवान yes. ये दो ट्रम्प कार्ड ऐसे हैं जो हमें पता नहीं कि किसके हाथ में करेक्ट सर। ठीक है ना करेक्ट वो छोड़ दीजिए यही एक ग्लोबल रिस्क है ठीक yes. है yes. और ये ग्लोबल रिस्क इसलिए इसका मतलब कि खाली लड़ाई नहीं इनसे जुड़े हुए मुद्दे करेक्ट लड़ाई नहीं फॉर एग्जाम्पल सितंबर आ गया सर्दियां शुरू होने वाली यूरोप में yes. अगर वो एनर्जी संकट बरकरार रहा तो मूड माहौल खराब कर सकती एक ही रिस्क बची है ग्लोबली अभी एनर्जी क्राइसिस अगर एनर्जी क्राइसिस सुधरजने के संकेत आए तो भरपूर तेजी करनी अगर सुधर जाए तो भरपूर तेजी करनी है ग्लोबली राइट और फिर ऐसे में नवंबर दिसंबर तक इतनी बढ़िया तेजी होगी हो सकता है वापस यूएस यूएस, यूएस भी हा, लाइफाई के आसपास पहुंचेगा हम तो उससे पहले, पार कर, तो हाँ। ना, ना, तो पहले पार कर लेंगे नहीं ना हम तो उससे पहले पार कर लेंगे लेकिन अगर एक ही ट्रम्प कार्ड बचा है एनर्जी क्राइसिस मेक और ब्रेक यही है एनर्जी क्राइसिस बिगड़ेगा तो मार्केट बिगड़ेंगे एनर्जी क्राइसिस ठीक होने के संकेत आएंगे मार्केट सुधर जाएंगे ये हमें क्या चाहिए हमारे लिए सिंपल है कि हमारा अब से लेकर दिसंबर तक का रुझान ऊपर की तरफ है राइट right. ब्रॉडली हमारे रिस्क सिर्फ एक्सटर्नल है एक्सटर्नल है ग्लोबल और हमारे रिस्क कैसे दो है एक यूरोप का एनर्जी क्राइसिस बिगड़ता है हुँ. और यूरोप गिरता है उसके साथ साथ बाकी देश गिरते तो हमें भी गिरना पड़ेगा हुँ. हम बचे नहीं रह सकते right. गिरना पड़ेगा Correct. कम गिरे वो हम डिसाइड करेंगे लेकिन गिरना पड़ेगा ठीक है पहली चीज दूसरी चीज इस एनर्जी क्राइसिस में अगर कच्चा तेल वापस बढ़ गया तो तो समस्या है सो so, एक सौ दस आ गया तो फिर हमें टेंशन है तो so, कच्चा तेल अगर मेरा सत्तर अस्सी की रेंज में आ जाता है और यूरोप का एनर्जी क्राइसिस है तो भी मैं न्यूट्रल हूं तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता राइट right. क्योंकि यूरोप की समस्या है क्या है उनको गैस चाहिए खाली क्रूड से उनका काम नहीं चलता हमारा काम तो क्रूड से चल जाता exactly. है राइट right? सो so, हमारा क्रूड अगर क्रूड नीचे है और क्रूड अगर ग्लोबल मंदी के हिसाब से आ, आर्थिक धीमेपन के हिसाब से कच्चा तेल नीचे रहता है तो हमारा काम हो जाएगा सो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड कच्चा तेल है ग्लोबली यूरोप में समस्या हुई तो हम थोड़ा गिरेंगे लेकिन नहीं हुआ आदि तो हम इतना जोर से भागेंगे मजा आ जाएगा फिर सो ये अब से लेकर दिसंबर तक का पूरा डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में उम्मीद ये रहे कि शायद बातें बहुत ज्यादा न बिगड़े और उसके बाद ठीक होनी शुरू हो तो हम फिर तेजी के रुझान में रहेंगे तो ये ये एक बड़ा हाँ एक डेटा और देता हूं हाँ जो इस वीकेंड का है जी मेरे ख्याल से कुछ महीनों के बाद पहली बार ऐसा पिछले महीने के एसआईपी के आंकड़े हैं हाँ गिर कर आए हैं हाँ। नहीं मेरे ख्याल से बट मैराथन बन साल दर साल शायद कम हुए होंगे हाँ बर, बर, मैं पढ़ रहा था कुछ दस महीने के निचले सर पर हाँ मंथ ऑन सॉरी साल दर साल थोड़े से हाँ, बढ़े हैं साल दर साल बढ़े हैं बल्कि वैसे मंथ ऑन मंथ तो अगर एसआईपी के नंबर और इंस्टॉल्स के नंबर ये बराबर आते रहते हैं तो आपके पास लोकल लिक्विडिटी और लोकल लिक्विडिटी अगर बनी रहती है तो है और यहाँ पर भी एक ही क्रक्स यही है कि एक एक लाइफ टाइम हाई के आसपास आने के बाद जो पुराने फसिल जिन्होंने पंद्रह दो सौ देखा उनको लगता है अठारह हजार छह सौ आगे हम तो इसी का इंजार रहे थे निकले तो निकले। तो, तो वो एक हल्की सी रिस्क रहती है लेकिन जैसे आप अठारह छह सौ पार करके नए हाइस के ऊपर टिक जाते हैं तो फिर किसी को बेचने की जल्दी नहीं है सो आई थिंक नंबर थोड़े अगर इन्फ्लोर्स के ये मजबूत मेंटेन रहते हैं तो भी आपके लिए एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है तो आई थिंक ओवरऑल हम ठीक है वेल कोई में हम तो अच्छे पोजिशन है बस ठीक है थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट मिल जाए थोड़ा कच्चे तेल का सपोर्ट वैसे तो मिल रहा है और मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा